Karachi rang de Karachi ko rang de Karachi rang de Karachi ko rang de Karachi rang de Karachi ko hum kisi se kam nahi chalne wale nasil hum be the one yahan unity Karachi ke liye ya jaan hazir ho chuki hum afshin abid hai aur main rang de Karachi ki convener hu aur jaise ki aap dekh rahe hain mere piche wall painting ho rahi hai to ye initiative tha hamara ki hum Karachi ko jo hai wo beautification ki taraf leke aaye iske liye humne start kiya hai November mein ye kaam और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के साथ जो है वो हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है इससे पहले हमने बारादरी पार्क जो है गुलबर्ग में उसको हमने रिफॉर्म किया था 4 days में जिसका इनॉग्रेशन किया था मुर्तजा वहाब साहब ने और ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं हम डीएमसी ईस्ट के साथ कर रहे हैं जिसको जो हमारे साथ हैं ADC मिस साजदा तो उनकी सरबराही में हम ये काम कर रहे हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि आप आएँ और ये हमारे साथ यहाँ पर काम करें बताना आपको यही चाहूँगी कि देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब हम अच्छे काम के लिए निकले तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपने जो है वो क्या कर रहे हैं आप लोग किस तरह कर रहे हैं तो बताने का मकसद ये है कि देखिए हम जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग आएँ और हमें इसमें सपोर्ट करें और फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिज़िकली आप हमें सपोर्ट करें एज अ वॉलंटियर बन जाएँ एज अ आर्टिस्ट बन जाएँ और गवर्नमेंट का इसमें शुक्रिया अदा करूँगी कि जब जब हमने जहाँ जहाँ काम किया है चाहे वो कोई भी पार्टी से हो सब ने हमें सपोर्ट किया अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया तो फिज़िकली सपोर्ट किया हमें आए हमें अप्रिशिएट किया हमें शाबाशी दी तो मैसेज मेरा यही है कि प्लीज़ कराची सिर्फ मेरा या जुहैब अहमद ख़ान का नहीं है कराची हम सब का है और मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज दूँ कि प्लीज़ आप लोग आएँ और कराची की दीवारों का ख्याल रखें कि ये बच्चे और बच्चियाँ इतनी मेहनत से पेंटिंग कर रहे हैं तो इन्हें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और मैं गवर्नमेंट को एक मैसेज दूंगी कि काइंडली अपने कराची को बचाएं और कराची को ब्यूटिफिकेशन की तरफ लेके आएं हमें सपोर्ट करें हमें मिलें हमसे बताएं हमें बताएं कि कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो वो हमें बताएं हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं मगर हमारा मोटो यही है कि हम कराची से बाहर भी काम करें क्योंकि सिर्फ हमारा कराची नहीं है और पूरा पाकिस्तान हमारा है मेरा नाम अली नजीब है और मैं रंग दे कराची के साथ वॉलंटियर हूँ और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वेनसडे से बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि कराची की जो वॉल्स हैं जो वॉल चौकिंग हम बचपन से देखते आ रहे हैं जिस पे मुख्तलिफ अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं इसको एक ब्यूटिफिकेशन में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग जो कराची में रहने वाले हैं जो कराची में रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो उनको वॉल्स पर जब वो देखें तो उनको फीलिंग अच्छी आए बेसिकली इसका मकसद ये है और जो लोगों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की अवेयरनेस देना जैसे इस दफ़ा हमने जो एक्टिविटी की है उसमें हमारे 2 सेक्शन हैं एक अवेयरनेस का सेक्शन है और दूसरा कल्चर का सेक्शन है अवेयरनेस के सेक्शन में हमने जो बातें की हैं वो ये हैं कि पोल्यूशन को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है जिसमें सी पोल्यूशन अर्थ पोल्यूशन और इसके अलावा बाकी जो फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है चाइल्ड एब्यूज़ पर बात की गई है चाइल्ड लेबर पर बात की गई है इसके अलावा जो आपकी वुमेन्स राइट है उन पे बात की गई है तो ये सारा हमारा अवेयरनेस सेक्शन इन चीज़ों पर मुहित है इसके बाद हमने आगे जाके कल्चर को प्रमोट किया है तो हमारे जितने सूबे हैं जिसमें सिंध पंजाब बलूचिस्तान KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान इनके अंदर जो डिफरेंट कल्चर की जो इनकी क्वालिटीज़ हैं जिसमें आपकी ड्रेसिंग आ गई सूबों का मैप आ गया इसके अलावा इनकी जो कुकिंग है डेली एक्टिविटीज़ है उनको प्रोमोट करने की कोशिश की गई है ताकि जो हमारी नई जनरेशन है उनको ये पता चले कि किस तरह से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है और जो हमारा कल्चर है वो किस तरह कितना खूबसूरत है और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर रुके दूसरा ये कि मैं तो कल जा रहा था यहाँ से और मैंने देखा लेकिन आज मैं बेटी को और अपनी नीस को साथ ले आया ये इतने वेलकमिंग लोग हैं कि मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा जी वॉल एक है वेकेंट आप चाहें तो वो बस ये आज ये मेरी वाइफ हैं ये बेटी हैं ये मेरी नीस हैं बस ये हम इनके लिए 12th man की तरह काम कर रहे हैं अगर इनको पानी चाहिए या कुछ और कोई लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड है तो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स इट हम लोग रंग दे कराची की तरफ से हैं और हम लोगों का मेन प्रोजेक्ट मेन मुद्दा ये है कि हम लोग की जो बंगाली बाबा और इन सब की जो वॉल चॉकिंग हुई हुई है उसको हम लोग एंटी वॉल चॉकिंग कर रहे हैं और जो है हम अपने शहर को खूबसूरत बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अवेयरनेस थोड़ी सी दे रहे हैं हम लोग जैसे साइबर बुलियन की तरफ से कि सोशल मीडिया पर हरासर्स लोगों के दिमाग में जो फीड कर रहे हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रंग दे कराची की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ पे अपनी आर्ट दिखा पा रहे हैं ये जो पेंटिंग है ये मैं तो नहीं मेरी एक फ्रेंड ने बनाई है कुरत नाम है उसका काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है शी इज़ एन आर्टिस्ट और
ऐसी बात है कि वॉल चॉकिंग को बजाय ऐसी पेंटिंग्स बननी चाहिए वॉल्स के ऊपर जो कि हमारे कराची को, हमारे शहर को एक खूबसूरत जगह बनाती हैं। तो लास्ट एक्टिविटी से जो ये कर रहे थे बारादरी पार्क को रिन्यू करने के लिए, तो उधर से मैंने ज्वाइन किया कि बहुत अच्छा सिस्टम था इनका कि ये हमें पेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आर्टिस्ट को स्पेशली यहाँ पे कि एक आवाम आर्टिस्ट का काम देख सके। उसके लिए आर्टिस्ट को सिर्फ अपना काम दिखाना है, ना पैसे देना है ना कुछ करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि आवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सब आगे पूछ रहे हैं कि आप क्या बना रहे हैं, आप कैसा बना रहे हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया है मेरे पीस पे, वो मुझे बहुत मज़ा आया कि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हम भी पेंट करेंगे, हम भी इसमें पार्ट लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ इस बार काम करना। ये पहले जो वॉल थी उससे बेहतर लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, आर्ट हुआ है बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे गुजर रहे थे मेरे पापा और मैं, तो हमने बोला यहाँ पे पेंट हो रहा है, हम भी देखते हैं, हम यहाँ पे आए, हमने देखा, हमने बोला बहुत अच्छा हुआ। मैं रंग दे कराची की मेंबर हूँ, मेरा नाम लाइबा है और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं रंग दे कराची में थोड़ा तो टाइम हो गया मुझे, कुछ महीने हो गए और मेरी ये थर्ड एक्टिविटी है। और हम लोगों को यहाँ के कराची के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। जब जब हम पेंट कर रहे होते हैं कभी कभार थक जाते हैं तो लोग आके हमें ना मोटिवेशन दे रहे होते हैं। और मैं रंग दे कराची जो पीछे देख रहे हैं इसका मैं मेंटोर भी हूँ और लीगल एडवाइज़र हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि कराची में जो बच्चे जो नौजवान हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कोई अपॉर्चुनिटी बनाएं ताकि कराची में जो दीवारें हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोगन्स होते हैं उनको हटा के कोई हम कोई अच्छा पैगाम दें कौम के नाम, इसी ये कोशिश है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे तो ये सारे काम चल रहा है और माशाल्लाह काफ़ी लोग इस पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। माशाल्लाह कराची में बड़ी रंगारंगी तकरीब हो रही है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के कराची, और ये बड़ी अच्छी खिदमत है कराची की आवाम के लिए और अच्छी एक्टिविटी है। और माशाल्लाह से रंगीन हो गई हैं फुटपाथ, तो इस तरह की सरगर्मी जो है कराची के लिए बहुत अच्छी है, ये मुस्बत सरगर्मी है और इस तरह की जो है सरगर्मी होनी चाहिए। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल्ला ख़ान है, मैं रंग दे कराची का कोऑर्डिनेटर हूँ। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक दो दिन पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मैं अभी तक की ज़िंदगी में मैंने इससे बड़ी वॉल आर्ट एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी। अभी तक की पाकिस्तान में ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिविटी है वॉल आर्ट की। इसमें हमारे पास 160 प्लस वॉल्स हैं, इसमें हमारे पास 200 प्लस आर्टिस्ट और वॉलंटियर्स हैं जो कराची के डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से आए हुए हैं, हमारे पास यहाँ हिस्सा लिया हुआ है उन्होंने। और इसी तरह हम लोग दूसरी जगहों पर भी काम करते रहते हैं और कराची को खूबसूरत बनाते रहते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग कराची को इसी तरह खूबसूरत बनाते रहेंगे। शुरू से यही देखा होगा बाबा बंगाली, सावित्री माई, तो हम भी यही देखते हुए आ रहे थे। मुनासिब बातें, मतलब हमारे छोटे बच्चे हैं वो ये पढ़ के देख रहे हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं यार ये क्या है, तो ये क्या चीज़ होती है। तो हमारा पहला काम तो ये है कि जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा यहाँ हुई हुई थी, तो हमने उसको ख़त्म किया है, उसके ऊपर फिर हम वॉल आर्ट करवा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग कचरे के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट जगह से कचरा उठवाते हैं वहाँ पर हम लोग वॉल आर्ट करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे कि ये रोडों की फुटपाथ्स हो गई, इसको हम वापस रिपेयर करवा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स का काम हो गया। और इसके बाद हमने एक और कैंपेन चलाई है गो ग्रीन कराची के नाम से, उसमें हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं कराची के डिफरेंट एरियाज़ में।